भाई साहब, कल का मैच पाकिस्तान और इंडिया का कौन जीत रहा है? ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा अपना, इवन दो शिखर धवन प्ले नहीं कर रहा है, बट मेरे को पूरा पता है कि कोहली ने जिताना है। इंडिया जीतेगा, जीतेगा, वो भी वन साइडेड जीतेगा। ये आपकी ख्वाहिश है या प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन नहीं, कमिटमेंट है इंडिया का। कोहली अपना बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड का भी। अच्छा चलें ठीक है, ये तो कल ही देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से? इंडिया से। अच्छा ये बताएं कि कल का मैच कौन जीतेगा? भाई तो मुझे पता नहीं मैच है कौन सा। एक मिनट रुक जरा। भाई दोनों टीमें जीते, इसमें कोई चक्कर नहीं, जो भी टीम जीतेगी अच्छा ही होगा। अच्छा मैच है दोनों का, मतलब मजा है मैच देखने का। हमें कोई लेना देना नहीं, जो मर्जी जीते, हमारा बस प्यार बना रहे। हमारे यहाँ कितने दोस्त था पाकिस्तानी, तो हमें कोई वो नहीं है, मतलब जो मर्जी जीते। बहुत आप चाहते हैं प्यार बना रहे, मैच है कोई भी जीते। हाँ, एज ए मैच की तरह ले इसको, एज ए क्रिकेट। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। रेन बारिश जीत रही है इंडिया। इंडिया, इसकी कोई वजह आपकी ख्वाहिश है या आपको लगता है इंडिया बेटर टीम से भी? ये बताएं कल का मैच जो है पाकिस्तान इंडिया का कौन जीतेगा आपके ख्याल में? आपको क्या लगता? अच्छा उनसे भी अच्छा एक मिनट, अच्छा ये पाकिस्तान से हैं आप, उनसे भी पूछते हैं, लेकिन आप ये बताएं इंडिया पाकिस्तान जीतेगा कौन? आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में कौन जीत रहा है कल का मैच? इंडिया। इंडिया भाई जान, आप पाकिस्तान से? जी हां। अच्छा कहाँ से हैं आप? मैं जेलम से। जेलम से, तो ये आपके सारे दोस्त इंडियन दोस्त कह रहे हैं जीतेगा इंडिया? हाँ ये मैं पाकिस्तान से हूँ के लाइन में से, लेकिन मुझे पता है कि हम ही जीतेंगे। इंडिया का हमेशा हम हराते हैं, हार भी गए फिर भी हम जीतेंगे। नहीं वो बस अनलकीली हम जो हो जाता है, लेकिन हम जीतेंगे। कल आप जीतेंगे, कल का स्टार कौन होगा पाकिस्तान का अगर आप जीत गए तो? और मोहम्मद आमिर होगा। अच्छा आप कहाँ से भाई? लाहौर से। अच्छा लाहौर से हैं, अच्छा ये लाहौर से हैं और आप सब लोग भी पंजाब से? अच्छा ये देखें यहाँ पे, अच्छा गुजरात से हैं, सारे इंडिया पाकिस्तान के लोग इकट्ठे हैं। और आप ये बताएं कि कल जो मैच है इंडिया का, अगर बारिश होती है तो पाकिस्तान को फायदा है नुकसान? नुकसान है। इंडिया जीतेगा, आपको यकीन है पक्का? पक्का जी। आपका क्या ख्याल है, आप क्रिकेट देखती हैं? नहीं देखती तो नहीं। रेन जीतेगी, अच्छा उनको लगता है जी रेन जीतेगी। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है कौन जीत रहा है? इंडिया ही जीतेगा भाई, पाकिस्तान कब बड़ा होगा? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, आपको इतना यकीन कैसे है? अरे पाकिस्तान का फील्डिंग देखो भाई, उनको फील्डिंग में बहुत ज्यादा सुधार करना पड़ेगा, उनको फील्डिंग में बहुत ज्यादा सुधार करना पड़ेगा। अच्छा कल पाकिस्तान के किस बैट्समैन या बॉलर से आपको डर लग रहा है? बॉलर तो हामिद आमिर से सबसे ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि वो अच्छा बॉलर है, स्विंग भी कराता है और कंडीशन भी अच्छी है, और ही इज अ मैच चेंजिंग प्लेयर, सो ही इज अ स्टार बॉलर। 2017 के फाइनल में हुआ, हमने देखा ही था क्योंकि अकेले के दम पर पाकिस्तान ने वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, और फर्स्ट तीन विकेट धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली को उसने आउट कर दिया, और शिखर धवन तो है भी नहीं इस मैच में। कल पाकिस्तान जीत रहा है क्योंकि उसकी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि चैंपियन ट्रॉफी रिसेंटली 2018 में पाकिस्तान ने इंडिया को डिफीट किया था 148 रन से, तो उसका एज मिलेगा पाकिस्तान को और उनका मोरल भी बूस्ट अप होगा, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली मैच जो हो गया, प्रीवियस मैच है, वो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सबी काज़मी आपका होस्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत से इख्तलाफात और बहुत से मसाइल हैं, लेकिन एक कदर इनके दरमियान ऐसी है जिस पर दोनों कौमें जुनूनी हैं और दोनों कौमों के अंदर एक इश्क और मोहब्बत है, और ये चीज़ इन दोनों को इकट्ठा भी करती है, वो है क्रिकेट का खेल। जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के क्रिकेट की बात आती है, 1.5 अरब की हिंदुस्तान की आबादी और 220 मिलियन या 27 करोड़ के करीब पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अपनी स्क्रीनों के साथ चिपक जाते हैं, क्या ग्राउंड हो क्या टीवी हो। आईसीसी के इवेंट की सबसे आमदनी का सबसे बड़ा मैच, या जिसे इंग्लिश में मदर ऑफ ऑल क्रिकेटिंग भी कहते हैं, ये खेला जाता है और सारी दुनिया की नज़रें इस पर होती हैं। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप का वो मैच जिसका सब बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीमें इस वक्त एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, लेकिन कौन बनेगा सुल्तान इसका फ़ैसला तो होगा ग्राउंड में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के कम्युनिटी के बड़े नाम, जिनकी क्रिकेटिंग का यहाँ पे करियर भी है, वो क्रिकेट भी खेल चुके हैं, अपनी टीमों के साथ मैनेज भी कर चुके हैं। यहाँ पर लोकल जो लोग हैं, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हैं, वो इस मैच को किस तरह देखते हैं, स्टूडियो में लोगों से बात करते हैं और देखते हैं इनके जज्बात इस वक्त क्या है। मेरे साथ रहें, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक जी. मेरे साथ मौजूद हैं गगन सेठी साहब और वकार शाह साहब. गगन साहब जो हैं वो इंडिया से हैं और वकार साहब ऑफकोर्स आपको शर्टों से नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान से. गगन साहब ये बताएं कि जो मैच है कल वो कौन जीत रहा है आपके ख्याल में? जी ये कोई शक नहीं है, इंडिया जीतेगा जी मैच अपना कल का. आपको इतना ज़्यादा एतमाद और यकीन कैसे है? इंडिया की परफॉर्मेंस, इंडिया की टीम, इंडिया जो इस लैवल पर आके अपनी पूरी एज अ टीम खेलता है, नॉट अ वन मैन शो, और पूरा कॉन्फिडेंस है कि लाइक इंडिया ही जीतेगी. वकार आपको लगता है कि ये जो गगन साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है और ये जीत रहे हैं कल? देखिए इंशाल्लाह कल पाकिस्तान इंडिया को एक टाइट कॉन्टेस्ट में शिकस्त देगा और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री को चेंज करेगा. वर्ल्ड कप की हिस्ट्री और ऑलरेडी इन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में एक चेंज लेके आ चुके हैं, जो इन्होंने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया को शिकस्त दी है. आई थिंक इट विल रिपीट इटसेल्फ. The same victory, Pakistan will make big runs and or India they will crumble for 158-160. अच्छा इंडिया की इस वक्त गगन साहब ये बताएं स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या आपके पास जो इतना जो बड़ा मजबूत वेपन है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ये क्या है आप लोग? स्ट्रेंथ अपनी पूरी टीम ही स्ट्रेंथ है, उन्होंने परफॉर्मेंस ऑफकोर्स. विराट कोहली साडा कैप्टन जो कि पूरी टीम नू नाल लेके चलता है, तो जे उन्हों का दिन हो फिर तो लाइक वो कल ही मैच जितने ने. अपने को धोनी है, धोनी का लास्ट वर्ल्ड कप है, वो ऑलरेडी तीन पहले खेड चुके हुए ने, 2007 खेडे से 2011 2015 हूँ 2019, ऑलरेडी चार वर्ल्ड कप का उन्हें एक्सपीरियंस है. तो अपने रोहित शर्मा ऑफकोर्स जो इस टाइम पूरे फॉर्म च गए ने, अपने ओपनर केएल राहुल है, और अपने जसप्रीत बुमराह जो बॉलिंग साड़ी बड़ी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो वो अपने प्लेयर है साड़ी टीम में. वकार पाकिस्तान के पास क्या है इस वक्त के जिसे आपको लगता है कि कल इंशाल्लाह जीत जाएंगे मैच? देखिए पाकिस्तान की स्ट्रेंथ इस टाइम पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की जो थ्री बैट्समैन हैं उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, और ऑल्सो बॉलिंग में पाकिस्तान के पास मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, शादाब, दे गॉट अ वेरी गुड कम्बिनेशन. अगर तो ये लोग बुमराह को सी ऑफ करते हैं और बुमराह को विकेट्स नहीं देते हैं, देन इंडिया विल गेट पैनिक्ड और पाकिस्तान कैन पोस्ट अ गुड स्कोर. और सेम विद बॉलिंग, अगर पाकिस्तान इंडिया के टॉप ऑर्डर्स को एक्सप्लॉइट करता है, मिडल ऑर्डर यू नो गेट देम फेस द न्यू बॉल जो उन्होंने नहीं खेली है लेटली बिकॉज इंडियन ओपनर्स आर वेरी गुड, लेकिन धवन इज़ आउट, तो विच इज़ यू नो गुड फॉर पाकिस्तान इन अ सेंस के दे विल ओपन विद केएल राहुल और कार्तिक, विच आई हाली डाउट के दे ओपन विद कार्तिक, दे विल ओपन विद केएल राहुल. और अगर मोहम्मद आमिर यू नो दे हैज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट रोहित शर्मा, और आई बिलीव के ही विल गेट हिम आउट LBW अगेन, और इफ दे गेट हिम आउट एंड गेट कोहली आउट, इफ दे टेक द कैचेज एंड दे आर वेरी वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द गेम. अच्छा गगन साहब ये बताएं कि अभी जो वकार तो बड़े होपफुल हैं, आप भी बड़े होपफुल हैं, क्राउड में भी आपको पता है बड़े होपफुल हैं, अभी अगर रिकॉर्ड को देखें तो 134 मैच हुए हैं जिनमें पाकिस्तान की अभी भी बढ़तरी है 73, और इंडिया जो अभी भी पीछे है, चार वो ड्रॉ हुए थे तो वो 57 मैच है इंडिया जीता है. तो आपको क्या लगता है कि अब ये जो नया जो मैच है और वर्ल्ड कप का मैच है, प्रेशर का मैच है, क्या लगता है कि पाकिस्तान इस दफ़ा रिकॉर्ड वर्ल्ड कप का जो बदला देगा? मुझे नहीं लगता, ये हर बारी पाकिस्तान कोशिश करते आई है कि इंडिया को इस बारी वर्ल्ड कप में हराना है इस बारी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. और जो पुराने रिकॉर्ड की बात है, हेड टू हेड चलो वो पुराने थे, आज के दौर में जो इंडिया की टीम है एक वो पूरी अगेन एक वन टीम की तरह खेल रहे हैं. अगर धवन हमारा ओपनर चलो ठीक है बाहर गया, लेकिन इसका मतलब हमारे पास अभी और भी और 11 के 10 के 10 और प्लेयर है. अब धवन को रिप्लेस करेगा ओपनिंग में केएल राहुल, अब उसकी जगह टीम में शायद पंत आ जाए, अभी चल रही है बात, अगर पंत आ गया तो वो भी एक यंग टैलेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट करता है बॉल को. बट जो बात रही है पाकिस्तान को आप इंडिया को वर्ल्ड कप में हराने का, अभी तक तो हुआ नहीं है, बाकी तो अजम्पशन ही है कि क्या करते हैं. नहीं वैसे चैंपियन ट्रॉफी में तो वकार वैसे पाकिस्तान ने इनको हराया, एक चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में चलो अच्छा खेले थे, बट अगेन वो अब हिस्ट्री है. आज अब जो पूरे वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस आ रही है, इंडिया ने अभी हाल ही ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में हराना किसी भी अगर हम देख रहे हैं बहुत मुश्किल होता है. उनके जो मिचेल स्टार्क जो इस टाइम पे नंबर वन गेंदबाज उनको कहा जाता है, उनकी स्पीड सब वो उनको कितने आराम से खेल, पाकिस्तान ने भी देखे अभी इंग्लैंड को किस तरह सबसे बड़ा टोटल करके हराया है जी. तो वकार आपको लगता है कि ये इनके अंदर ये सलाहियत है कि बुमराह को
और इन तमाम बॉलर्स को फेस कर लेंगे और ऑफकोर्स यू नो ऑन अ गुड डे पाकिस्तान बीट एनीबडी और पाकिस्तान दे हैव प्रूव देमसेल्फ के इंग्लैंड के खिलाफ दे वर अंडरडॉग्स इंग्लैंड हाईली फेवरेट और पाकिस्तान ने यू नो दे बीट देम इन अ टाइट गेम और दे होल्ड देयर नर्व्स और दे बॉल रियली वेल वहाब रियाज मेड अ वेरी गुड कमबैक एंड ही इज रियली कॉन्फिडेंट आई थिंक ही इज गोना बॉल रियली वेल अगेंस्ट वकार क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की टीम जो है ये अपने नर्व्स और अपना जो प्रेशर है उस वक्त जो गेम का एक मोमेंटम है उसको बर्दाश्त कर लेंगे जी ऑफ कोर्स नो डाउट मोमेंटम पाकिस्तान के साथ है इंग्लैंड को उन्होंने बहुत अच्छी एक शिकस्त दी है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस इज रियली रियली हाई और हम पूरी उम्मीद हैं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देगा और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री को चेंज करेगा अच्छा ओपनिंग में अगर बात करें तो वो जो अभी हमारे जो ओपनर हैं आपको लगता है कि ये अगर डिलीवर करके तो गेम आगे बढ़ेगी या मिडिल ऑर्डर पे गेम आ जाएगी सारी या आखिरी ओवरों में जो लंबे लंबे छक्के मारेंगे लेकिन जो टॉप ऑर्डर पाकिस्तान हाली डिपेंड जो अपनी बैटिंग पे टॉप ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है जो टॉप थ्री आपके बैट्समैन हैं दे हैव टू प्ले अ वेरी गुड रोल एंड दे हैव टू प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स के अगर यू नो दे गेट 4 and 5 an hour in the start, it's okay. Lekin you have to play long innings. Or phir jo niche ke batsmen hai, they get a chance. Hafiz, Asif, agar Pakistan se ko khilata hai, Hafiz, Asif, they get a chance to, you know, explore and then Pakistan can chase it. Achha, aapko pata hai ke log keh rahe hai ke 92 ke jo pehle, agar aap dekhe na 92 ka World Cup, to usme kya hua tha, Pakistan pehla match hara tha. फिर दूसरा मैच पाकिस्तान जीता फिर तीसरा ड्रॉ हुआ तो ये सारी सिमत इस तरफ जा रही है गगन जी के लग रहा है कि पाकिस्तान 92 की तरह मैच जीतेगा ये भी मैं वही देखे लाइक थोड़ी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान टीम ने काफ़ी एरे बच्चे उन्होंने तो अपना थोड़ा एक पॉलिटिशियन है जिन्हें 92 च रेस्ट कराया से दोबारा 2019 कराता है जरदारी शायद मैं आई एम नॉट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं करता लेकिन मेरे से सारे स्ट्रैटेजी उस पास से लेके जा रहे हैं कॉन्फिडेंस कर रहे हैं इतफाक था कि वो उस वक्त भी जेल में थे और आज भी जेल में हैं लेकिन टीम की अगर बात करें ना तो देखें बाकी सारे जो है ना खाने वो भी तकरीबन हमारे इस वक्त टिक है और लगता तो मुझे यही है कि पाकिस्तान जीत रहा है एवरी डे इज़ ए न्यू डे क्रिकेट में यू नो अगर पाकिस्तान विल टेक द कैची सरफराज इज अ ब्रेव कैप्टन लेकिन उसने गलतियाँ की थी इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप देखें कि वहाब रियाज ही when he was bowling aur usne koi slip nahi li hui thi they were you know 4 or 5 edges that gone past keeper aur first slip to sarfraz ko bahut zyada you know he depends on sarfraz and it also depends on toss kal ke match ke aap bataye ki kal aapko kya lagta hai main na the match kon honge gagan sahab aap bataye pehle ji mere samne kal da jehdi man of the match rohit sharma leke jayega rohit sharma jayega kyunki oh india nu bada acha start dega रोहित शर्मा का मुकाबला है कोहली के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई जी कोहली देखो लाइक कोहली तो एक उन्होंने बारे गल की करनी है वो इटसेल्फ एक नाम ऐसा है सब नु पता होता है बॉलर्स नु भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटजी करनी पैंती है कोहली लेकिन पाकिस्तान के पास एक है ऐसा वकार वो बॉलर कि जो कोहली को काबू कर सकता है देखिए शुरू में कोहली को एवरीबडी नोज आप 4-5 टाइम पे बॉल कराते रहे कोहली विल गिव यू एज इट्स अबाउट टेकिंग द कैच तो मोहम्मद आमिर विल एक्सप्लॉयट दैट ऑफ स्टंप 5th स्टंप और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह कोहली को विल गेट द मॉडर्न 20 चले जी ये तो कल पता चलेगा कि होगा क्या और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है लेकिन इसमें जो अच्छी बात जो नज़र आई है कि इस वक्त जो हालात बने हुए थे अभी हमने देखे कुछ अर्सा पहले तक कि जहाँ पर जंग के आसार नज़र आ रहे थे अब एक दफ़ा फिर हम जा रहे हैं क्रिकेट मैदान में इमरान खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर हैं गगन जी उन्होंने कहा है कि आप लोगों और ये चीज़ें मत इस्तेमाल करें ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम किसी जंग में हैं हम लोग क्रिकेट में हैं तो आपको क्या लगता है हम सबको इसी तरफ सोचना चाहिए जी बिल्कुल अगर आपने देखा होगा अब क्रिकेट फील्ड में जो होता है वो अब पहले टाइम डिफरेंट था अभी पीछे ही कोहली का जेस्चर जैसे इंडियन क्राउड थोड़ा स्मिथ को बू कर रहे थे तो कोहली ने जाके गेम को पहले रखा बाकी जो राइवलरी है वो साइड पे वो एक बड़ा अच्छा मैसेज है अब इंडिया पाकिस्तान में भी ठीक है हमारे जो चीज़ें होती हैं वो सारी साइड पे लेकिन जो गेम का मज़ा है वो एक स्पिरिट ऑफ द गेम में ही होना चाहिए कि लाइक पहले क्रिकेट पहले इंसानियत पहले
तभी हम ये गेम को एंजॉय कर पाएंगे. बाकी जो चीजें होंगी वो तो देखो, ये तो सारे मेरे ख्याल से इसमें बड़े ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं, हिडन एजेंडा होते हैं, हमें नहीं पता, हम आम इंसान को नहीं पता लगता कि वो क्या हो रहा है. बट गेम को एंजॉय करने के लिए इतने पाकिस्तान में भी अच्छे टैलेंट है, इंडिया में भी टैलेंट है, तो लाइक सिर्फ क्रिकेट लोग जो है वो सिर्फ ये क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो और कोई बात नहीं. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. आपके कल का जो गेम है जो उसको टोटली प्योरली बेस्ड क्रिकेट होना चाहिए. आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिससे ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आपके पास ये स्पोर्ट्स के थ्रू, क्रिकेट के थ्रू पाकिस्तान इंडिया का. बट ऑल सेट, लेकिन वी विल डिफीट देम टुमारो इन अ टाइट कॉन्टेस्ट इन अ वर्ल्ड कप एंड यू विल सी. वर्ल्ड कप कौन जीतेगा ये गगन जी बता दे बस. देखो इंडिया ही जीतेगी, इंडिया के इस टाइम सारा फेवरेट है, उनकी कंसिस्टेंसी रही है अभी पहली दो गेम में. ये नहीं है कि पहले एक कुछ लो स्कोर कर रही है फिर जाके एकदम से अनएक्सपेक्टेड 300 से ऊपर स्कोर मार दिया, ऐसा कुछ नहीं किया इंडिया ने. पूरा कंसिस्टेंसी रहा, हर यूनिट उनका परफॉर्म किया है, तो इस टाइम पे इंडिया के ही चांसेस है वर्ल्ड कप जीतने के. आखिर में जल्दी से इंग्लैंड के चांसेस है वर्ल्ड कप जीतने के, पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी है. अब देखिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह 92 की तरह इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर आएगा. बिल्कुल सही, दोनों बड़े उम्मीद से हैं, दोनों की उम्मीदें हैं अपनी जगह. इसी तरह इस वक्त तकरीबन 1 अरब से ज़ायद लोग जो हैं वो देख रहे हैं इंडिया को जीतता हुआ, तो दूसरी तरफ बहुत बड़ी आबादी में जो है वो पाकिस्तान को देखते हुए देख रहे हैं जीतता हुआ. लेकिन हालात कुछ भी हों, वाकयात कुछ भी हों, आपस में इस दोस्ती को क्रिकेट के थ्रू आगे प्रमोट करना चाहिए, अमन का ये पैगाम आगे बढ़ना चाहिए, और लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ गेम ऑफ द स्पिरिट जैसे गगन ने कहा उस पर रहना चाहिए. प्रोड्यूसर कुमैल हैदर के साथ सभी काजमी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें, फिर मुलाकात करते. अस्सलाम वालेकुम.